घर और किचन के मुश्किल से मुश्किल काम भी लगने लगेंगे बेहद आसान, क्योंकि हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ कुछ ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक्स जिनका इस्तेमाल अगर आपने एक बार भी कर लिया तो आप भी कहेंगे कि काश ये ट्रिक्स हमें पहले पता चल जाती तो हमारा काफ़ी सारा पैसा भी बच जाता और हमारा समय भी बच जाता। चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की इस यूज़फुल ट्रिक को। तो सबसे पहली ट्रिक यहाँ पर आती है, पेपर के अंदर साबुन को लपेटने वाले हैं। ये वाली ट्रिक आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको गर्मियों के मौसम में फॉइल पेपर में साबुन लपेटने से क्या फायदा होने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है इस तरीके से फॉइल पेपर और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में आपको काट लेना है। इस तरीके से मैं फॉइल पेपर का टुकड़ा ले लेती हूँ और इसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। गर्मियों के मौसम में सभी लोगों के लिए ये वाली ट्रिक ना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, तो इसका इस्तेमाल करके आपकी बहुत बड़ी परेशानी खत्म होने वाली है। इसके बाद आपको लेना है कोई भी एक बर्तन और इस तरीके से कोई भी अच्छी फ्रेग्रेंस वाला एक साबुन ले लीजिए और इस तरीके से इसे ग्रेट कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरीके से। या फिर कई बार साबुन के छोटे मोटे टुकड़े जो है वॉश बेसन में बच जाते हैं या फिर आपके बाथरूम में रह जाते हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, जो ज़्यादातर लोग हम फेंक ही दिया करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप इस तरीके से ना इनको ग्रेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको लेना है इस ग्रेट किए हुए साबुन में बेकिंग सोडा, थोड़ा सा बेकिंग सोडा लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, और इस तरीके से इसके अंदर आपको मिक्स कर लेना है। तो ये जो साबुन हमने जो ग्रेट किया था ना, इस साबुन के अंदर इस तरीके से बेकिंग सोडे को ऐसे ग्रेट कर लीजिए। आपको इस तरीके से इसके अंदर आपको रख देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरीके से साबुन और बेकिंग सोडा की ऐसे फॉइल में रैप करके छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है। अब आपको क्या करना है, आपको लेना है कोई भी सेफ्टी पिन या कोई सुई ले लीजिए और इसके अंदर इस तरीके से छोटे छोटे आप होल्स कर दीजिए। इस तरीके से ना छोटे छोटे छेद आपको कर देने हैं। गर्मियों के मौसम में दोस्तों सभी लोगों को ना पसीने की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, और जिसकी वजह से उनके कपड़ों में से, जूतों में से, जुराबों में से, पैरों में से बहुत ही ज़्यादा बुरी बैड स्मेल आती है। और सभी फैमिली मेंबर में कोई ना कोई फैमिली मेंबर ऐसा ज़रूर होता है जिसके पैरों में से पसीने की बहुत ही ज़्यादा बुरी बैड स्मेल आती है। तो दोस्तों इन बॉल्स को आपको रखना है अपने जूतों के अंदर और जुराबों के अंदर, या फिर अगर आपके जो कपड़े हैं जो बहुत ही ज़्यादा बैड स्मेल जिनके अंदर से आती है पसीने की वजह से, तो आपको इन छोटी छोटी बॉल्स को इस तरीके से रख देना है। तो मैं यहाँ पे एक एक बॉल को इस तरीके से जूते के अंदर रख दूंगी, या फिर अगर आपके जुराबों में से बहुत ज़्यादा बुरी बैड स्मेल आती है धोने के बाद भी, तो आप इसकी एक बॉल अपने जुराबों के अंदर भी रख सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा, जो बेकिंग सोडा है वो आपकी बैड स्मेल को पूरी तरीके से ऑब्जॉर्व कर लेता है, और यहाँ पर हमने जो साबुन का इस्तेमाल किया है इसकी जो एक भीनी भीनी खुशबू होती है ना, वो आपके जूतों में से आएगी और अब जुराबों में से आएगी, और किसी भी तरीके की कोई भी बैड स्मेल आपके कपड़ों या जुराबों में से, जूतों में से बिल्कुल भी नहीं आएगी। अक्सर बहुत सारे लोगों के मसूड़ों में से खून आने की शिकायत होती है, दांतों में कीड़े लगने की शिकायत होती है, तो आज मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपके दांतों का दर्द, आपके दांतों की सूजन, आपके मसूड़ों में से खून आना, मुंह में से बदबू आना, कीड़े की समस्या बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लेना है थोड़ा सा गुड़ के टुकड़े और किसी बर्तन में या किसी ग्लास में आप इसको बारीक इस तरीके से कूट लीजिए। इस तरीके से जब पाउडर बना लेंगे ना, तो इसका इस्तेमाल करना बहुत हद तक आसान हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लेना है पानी। तो जितना हमने यहाँ पे गुड़ लिया है, तो आपको यहाँ पर आधा ग्लास के करीब लेना है पानी, ताकि गुड़ पानी के अंदर अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो जाए। छोटे बच्चे अक्सर होते हैं जो ठीक तरीके से ब्रश नहीं करते हैं, तो उनके दांतों में कीड़े लगने की समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है, तो यहाँ पर उन बच्चों के लिए भी ये वाली रेमेडी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर लेना है नमक, ये वही नमक है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, इसकी जगह पर ना आप सेंधा नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस नमक को इसके अंदर आपको डाल देना है और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको 2 चम्मच डालना है इसमें विनेगर। विनेगर चाइनीज़ खाने में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये वही विनेगर है। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है दांतों के दर्द को ख़त्म करने के लिए। जिन लोगों के मुंह से बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है, उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने का काम करता है। यहाँ पर जब आप सुबह उठते हैं और ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद आपको इस पानी से 2 से 3 बार अच्छी तरीके से मुँह में कुल्ला करना है। उसके बाद जब आप दोपहर का लंच कर लेते हैं, तो आपको इसी पानी से 2 से 3 बार अच्छी तरीके से
कुल्ला करना है, जिससे कि आपके मसूड़ों की सूजन, आपके दांतों में जो दर्द है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और रात को सोने से पहले आपको इसी पानी से अच्छी तरीके से 2-3 बार कुल्ला करना है, तो आप देखेंगे 1 से 2 दिन के अंदर ही आपके मसूड़ों की सूजन, आपके दांतों की सूजन, के मसूड़ों की सूजन, आपके दांतों में से खून आना, दर्द पूरी तरीके से ठीक हो गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली यूज़फुल ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों अगली यूज़फुल ट्रिक यहाँ पर आती है हमारी सिंक को लेके। सिंक का इस्तेमाल हम सभी अपने घरों में सिर्फ बर्तनों को धोने के लिए करते हैं। आज मैं आपको सिंक में शीशे का ऐसा बेहतरीन इस्तेमाल बताने वाली हूँ ना, जो कि आपके लाइफ टाइम तक काम आने वाला है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो आपको ये वाली ट्रिक ज़रूर से देखनी चाहिए और इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हम जो बर्तन धोने वाला सिंक होता है ना, इसके अंदर हमको सबसे पहले तो शीशा रख देना है, इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी करना है। अब आपको एक हाथ में लेना है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, जो कि सबके घर में बहुत आसानी से मिल जाती है, मसालदानी में होती है। इसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा नमक और 3 से 4 आपको लौंग। ये इन तीनों चीज़ों को ना आपको इस तरीके से अपने हाथ में रख लेना है और मुट्ठी को पूरी तरीके से बंद कर लेना है। बहुत सारे लोगों के घरों में नेगेटिविटी की दिक्कत होती है, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। खासतौर पर जो घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें नज़र लगने की दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है, जिन्हें बुखार रहने लगता है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और काफ़ी सारे लोगों के घरों में नेगेटिविटी की वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको लाल मिर्च पाउडर, नमक और 3 से 4 आपको लौंग लेनी है, और इस तरीके से मुट्ठी बंद करने के बाद अगर आपके घर में छोटा बच्चा है या किसी बड़े को नज़र लग गई है और बहुत ज़्यादा दिक्कत उनको हो रही है घर्षण के ऊपर, आपको इस तरीके से 7 बार आपको हाथ को ऐसे घुमा लेना है। शीशा जो होता है हमारी नेगेटिविटी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने का काम करता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। आपने देखा होगा पहले के टाइम में बहुत सारे लोग शीशे का इस्तेमाल किया करते थे नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। तो आपको शीशे के ऊपर इन सारी चीज़ों को ऐसे रख देना है और आपको इसे अब चलते पानी के अंदर इसे बहा देना है, जिससे कि जो सारी नेगेटिविटी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। जिस भी इंसान को नज़र लगी है या छोटे बच्चों को अक्सर नज़र लगती है, तो ये पूरी तरीके से नज़र को ख़त्म करने का काम करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ट्रिक है, मैं अक्सर इसका इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और अक्सर उनको नज़र लग जाती है, बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, जो कि अक्सर नज़र लगने की वजह से होता है, आप भी इसी तरीके का इस्तेमाल करिए। ये बहुत ही ज़्यादा असरदार तरीका है नज़र को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली यूज़फुल ट्रिक की तरफ, ये भी आपके बहुत काम आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों तकिए का इस्तेमाल तो हम सभी के घर में किया जाता है, ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पर तकिए का इस्तेमाल ना किया जाता हो। लेकिन कई बार होता क्या है कि अचानक से हमारे घर में जब मेहमान ज़्यादा आ जाते हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि हम तकियों का अरेंजमेंट कैसे करें। तो यहाँ पर आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और यूज़फुल ट्रिक बताने वाली हूँ, जिससे कि आपके घर में कभी भी ना तकियों की कमी नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके तकिए जो है काफ़ी सालों पुराने हैं, ख़राब हो गए हैं, या कई बार तकियों की शॉर्टेज हो जाती है, तो आप यहाँ पर इस ट्रिक का इस्तेमाल करके फ्री में ही काफ़ी सारे तकिए बना सकते हैं। तो आपको इस तरीके से लेना है किसी भी बेडशीट का, कोई कुशन कवर, नया पुराना कैसा भी ले लीजिए। अब यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है ब्लैंकेट का, जो हम अक्सर सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, हमारे घर में अलमीरा में बेड में ऐसे ही हम इन्हें बंद करके रखते हैं, लेकिन एमरजेंसी में आप इसका इस्तेमाल करके अपनी बहुत सारी परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से ब्लैंकेट को फोल्ड करके पिलो के अंदर रख दीजिए, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पिलो बन के तैयार हो जाते हैं। हम जो मार्केट से पिलो लेकर आते हैं ना खरीद के, उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट ये वाले पिलो होते हैं। अगर आपने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है ना, तो अभी इस वीडियो को देखने के बाद ना एक बार ट्राई करिए और फिर बताइएगा कॉमेंट करके कि आपको कैसा लगा। तो आप भी अपनी डेली लाइफ में छोटे छोटे ट्रिक्स का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक आसान बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको हमेशा की तरह ये सारी ट्रिक्स पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो हमेशा की तरह एक लाइक ज़रूर से करिएगा, और आप में से जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्दी मिलूंगी फिर आपसे एक ऐसे ही नई वीडियो में कुछ नई नई ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।